to my YouTube channel Shoshiadu, and today in this video we are going to see 1st May 2019 current affair. So I hope आप सभी ने जो है 30th अप्रैल के करंट अफेयर की वीडियो देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी देख लेना, तब आप जो है आगे कंटिन्यू करना. एक और बात, स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर, दैट इज रियली रियली वेरी गुड. मैंने देखा, आई थिंक दैट गर्ल नेम इज प्रिया सिंह. सो अगर आप वीडियो देख रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, रोज देख रही हैं. जस्ट बिकॉज कंटिन्यू करते हैं किसी भी चीज को तब उसका बेनिफिट मिलता है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूंगी, इफ यू वॉन्ट डाउनलोड PDF ऑफ दीज करेंट अफेयर्स देन प्लीज विजिट माई फेसबुक पेज, लिंक यू विल गेट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एट द सेम टाइम इफ यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन देन प्लीज मेंशन द क्वेश्चन नंबर. लाइक इफ यू आर गोइंग टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1 देन टेल मी क्वेश्चन नंबर 1 ABCD जो भी सही है इसका. सो शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, डैश हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स डिस्प्ले इन वन सिटी फॉर 24 आवर्स. रिसेंटली एक कंट्री की कैपिटल ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेटअप किया है सबसे ज्यादा नेशनल फ्लैग डिस्प्ले करने का विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर. देखते हैं कौन सा ऑप्शन इज टोक्यो, ऑप्शन बी इज बेरत, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी नीदरलैंड. सो इफ यू नो द आंसर इन द कॉमेंट, if you know the answer please tell me the comment section, there is I'll tell you. So इसका सही आंसर एक्चुअली है बेरत. आई थिंक आप सभी लोगों ने पहली बार भी सुना होगा क्योंकि ये लेबनन की कैपिटल है. लेबनन तो पता होगा आपको, लेबनन एक कंट्री है और लेबनन की ही कैपिटल में यानी कि बेरत में 24 घंटे में तकरीबन 26,852 यानी कि 26,852 फ्लैग्स जो है वो डिस्प्ले किए गए. इससे पहले रिकॉर्ड जो था वो न्यूयॉर्क में दर्ज था यानी कि न्यूयॉर्क के वाटरलू में, और करीब 25,599 फ्लैग वहाँ पे डिस्प्ले किए गए थे. सो एक दिन में यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेटअप किया गया फॉर मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल फ्लैग्स डिस्प्ले. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एयर मार्शल डैश अपॉइंटेड एज ए न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ. सो अभी अभी जो है एयर मार्शल डैश यानी कि यहाँ पे आपको नेम फिल करना है, इनको एज ए न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया है. देखते हैं कौन है ये. ऑप्शन ए राकेश के एस भदौरिया, ऑप्शन बी अनिल खोसला, ऑप्शन सी मधुकर भंडारी, नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है. और देखिए मधुकर भंडारी के बारे में हमने पढ़ा था, इनको जो है मंगेशकर अवार्ड मिला है इफ़ यू रिमेम्बर. हम काफ़ी सारे वीडियोस में इस क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं. अनिल खोसला जो है वो एयर मार्शल के न्यू वाइस चीफ, आई मीन टू से न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर मार्शल नहीं है, जस्ट बिकॉज ये पहले रह चुके हैं न्यू चीफ. ठीक है, अब बात करते हैं राकेश के एस भदौरिया की. तो यस इट इज करेक्ट. सो राकेश के एस भदौरिया को न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया है. एक और बता दूं, राकेश के एस भदौरिया जो है वो डेप्यूटी चीफ भी रह चुके हैं एंड ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ इंडियन नेगोशिएटिंग टीम फॉर 36 राफेल कॉम्बेट एयरक्राफ्ट डील विथ फ्रांस. जो फ्रांस से एयरक्राफ्ट डील होनी थी राफेल की, तो उसके लिए भी ये डेप्यूटी चीफ रह चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज 2019 हेल्ड एट. अभी अभी जो है गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज 2019 मिला है करीब 6 एनवायरमेंटलिस्ट्स को. एंड अब ये जो ओकेजन था यानी कि ये जो सेरेमनी हुई है कहाँ पे हुई थी, जगह देखते हैं. ऑप्शन इज न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को एंड ऑप्शन डी वैंकूवर. सो वैंकूवर तो बिल्कुल नहीं है. वेल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं वैंकूवर कहाँ पे लोकेटेड है. ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, एक्चुअली नॉट, इट इज ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन द नेक्स्ट ऑप्शन, कतर भी नहीं है. तो उसका सही आंसर जो है वो है सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को में गोल्ड एनवायरमेंटल प्राइज 2019 सेरेमनी जो है हेल्ड हुई थी. और आपको बता दूं ये सैन फ्रांसिस्को की ओपरा माउस विच इज़ इन कैलिफोर्निया US वहाँ पे हुई थी. और एल गोरे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट को ये अवार्ड मिला है. बाकी कई सारे लोग इसमें इंक्लूड हैं, जैसे कि बात करें हम लिंडा गार्सिया, ये सारे इन्वायरमेंटलिस्ट
हैं और कुछ इंडियंस, प्रीवियस इंडियंस जिनको ये अवार्ड मिला है, जैसे कि मेधा पटकर. मेधा पटकर ने जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, सो इनको भी ये अवार्ड मिला है. और सी मेहता, रमेश अग्रवाल, दीज ऑल पीपल हैव ऑलरेडी गॉट गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज 2009 प्राइज, नॉट 2019, अभी तो केवल 6 लोगों को मिला है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर्मर यूएस जज, अ ग्रैंडसन ऑफ स्लेव्स एंड आइकन इन सिविल राइट्स मूवमेंट, डाइड इन डेट्रॉइट एट द एज ऑफ 96. सो अभी जो है फॉर्मर, पहले यूएस जज रहे हैं ये, और ये ग्रैंडसन रहे हैं स्लेव के, और इन्होंने सिविल राइट मूवमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए थे. सो देखते हैं अभी किसकी डेथ हुई है 96 में. ऑप्शन ए इज डेमोन जे कीथ, ऑप्शन बी माइक पोम्पियो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ऑप्शन सी डेविड डिसूज़ा, यहाँ पे डिसूज़ा की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, एंड ऑप्शन डी पॉल कैटी. सो टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन इफ यू नो द आंसर, जस्ट बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर्मर यूएस जज, यहाँ पे ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये सर्किट जो एपिलेट है उसके इंपॉर्टेंट जज रहे हैं फेडरल कोर्ट के, और जब 9/11 अटैक हुआ था तो उस वक्त भी इन्होंने जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे यूएस के उनके खिलाफ बहुत बड़ा जजमेंट दिया था. सो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो फॉर्मर यूएस जज जिनकी अभी डेथ हुई है ये है डेमोन जे कीथ. सो ये जो है इनका सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. इंटरनेशनल डांस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अप्रैल, होस्टेड सेलिब्रेशन फर्स्ट टाइम एट. सो ये क्वेश्चन भी हम बहुत बार कवर कर चुके हैं. 29 अप्रैल को जो है इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया. अब इसका जो होस्ट था, मतलब पहली बार ये सेलिब्रेशन किया गया था एक जगह, देखते हैं, कैलिफोर्निया में, नो, बार्सिलोना, नो, पेरिस में भी, एंड डी नाइजीरिया. सो इफ यू नो द आंसर प्लीज टेल इन द कॉमेंट सेक्शन. 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड. एक्चुअली ये डांस डे जो है वो जेन जॉर्ज नोवरे की याद में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1727 यानी कि 1727 में हुआ था. ये एक फ्रेंच डांसर हैं और ये क्रिएटर हैं मॉडर्न बैलेट के. सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, और इस का जो मोटो है, लाइक ऑब्जेक्टिव है, वो ये कि भाई हेल्दी रहें और इस तरह की आर्ट्स को जो है प्रमोट किया जाए. सो यूनेस्को के अंतर्गत जो है ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डांस डे. सो ये इसका जो होस्ट हुआ था अभी पहली बार सेलिब्रेशन नाइजीरिया में हुआ था. ऐसा पहली बार हुआ है कि नाइजीरिया में ये सेलिब्रेशन हुआ. क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू व्हाइट पेपर करंट स्टेट ऑफ साइबर क्राइम 2019 रिलीज्ड बाय आरएसए सिक्योरिटी, सोशल मीडिया फ्रॉड हैज इंक्रीज्ड इन 2018 बाय. सो अभी जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से सोशल मीडिया पे जो फ्रॉड है वो 2018 में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. देखते हैं भाई कितना परसेंटेज जो है वो यहाँ पे बढ़ा है. क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए 34%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 54% एंड ऑप्शन डी 65%. इफ यू नो द आंसर प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन. वेल, इसका सही आंसर जो है वो 43% होगा. 2018 में 43% जो साइबर क्राइम है वो बढ़ गया है. आपको एक बात बताऊं मैं, सोशल मीडिया पे क्राइम करना बहुत आसान है, जस्ट बिकॉज देखिए सोशल मीडिया ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, लाइक नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब. ओके, सो अगर यूट्यूब पे आप क्यों देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपको फ्री एक्सेस है, नॉलेज मिलती है और बहुत सारी चीज़ें हैं. कोई पे नहीं करना होता है आपको अमाउंट, यहाँ से आप अपने हिसाब से चीज़ें छाट सकते हैं. आपको जो वीडियो देखनी हो आप उस तरह की वीडियो देख सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगना. सो यहाँ पे अगर नॉलेज गेन करने वाले लोग हैं तो यहाँ पे क्राइम करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं. सो सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये काफ़ी आसान हो गए हैं क्राइम फैलाने के लिए. सो 43% जो है वो बढ़ गया है क्राइम 2018 तक, और 19 की बात करेंगे तो अभी 2019 में और जो है ये आंकड़ा बढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. ड्राइव समवन अप द वॉल idiom मीनिंग इज. सो यहाँ पे थोड़े वोकैबुलरी क्वेश्चन टाइप हो जाते हैं. ड्राइव समवन अप द वॉल idiom मीनिंग इज. सो ये जो है हमारा एक मुहावरा है, ड्राइव समवन अप द वॉल idiom. ओके, यहाँ तक ओके. सो उसका मतलब देखते हैं. ऑप्शन नंबर ए, नॉट वेस्ट टाइम विथ थिंग्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट.
to be wrong about the reason for something, make someone very irritated or angry, and D is none of these. Actually, its correct answer is C. Make someone very irritated or angry. Remember one thing, vocabulary यार ऐसे जब तक practice नहीं करो याद नहीं होती है. In fact, अगर आप मुझसे expect कर रहे हैं कि भाई मुझे भी ये सारी चीज़ें याद होगी तो ऐसा नहीं होता है. मैं इन सारे words को idioms को काफ़ी बार use करती हूँ तब जाके मुझे याद होता है. जैसे कि randomly अगर आप कोई चीज़ पढ़ेंगे तो नहीं होती है याद जब तक आपने उसको प्रैक्टिसाइज ना किया हो. सो इसलिए जो भी आपको यहाँ पे वोकैबुलरी टिप मिले तो प्लीज़ उसको अपने डेली रूटीन में शामिल कर लो. लाइक आज आपने ये वाला वर्ड सीखा, ये वाला idiom सीखा है तो इसको यूज़ करना है. यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दूँ. जैसे कि यहाँ पे जो हमारा idiom है वो है ड्राइव समवन अप द वॉल. सो इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं लाइक ईच वन हैड सम इरिटेटिंग हैबिट और इट्स ड्राइविंग मी अप द वॉल ट्राइंग टू फाइंड आउट हु डिड व्हाट. और ईच वन हैड सम इरिटेटिंग हैबिट दैट ड्रॉव हिम अप द वॉल. सो मतलब हर किसी की कोई ना कोई ऐसी आदत रहती है जो सामने वाले को परेशान करती है, राइट? हो सकता है मेरा बीच बीच में कहना आपको ये परेशान करता हो कि भाई कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर, कमेंट सेक्शन में बताओ. सो ये जो है यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं और ड्राइव समवन अप द वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ नेबुलस. नेबुलस का इसमें से कौन सा मीनिंग नहीं है? ऑप्शन ए ऑफेंस, ऑप्शन बी एग्रेसिव स्पीच, ऑप्शन सी इल डिफाइंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. एक्चुअली यहाँ पे नॉट नहीं होना था, यहाँ पे होना था विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ नेबुलस. तो नेबुलस का मतलब यहाँ पे क्या है? सो एक्चुअली इसका मतलब है इल डिफाइंड, यानी कि जब चीज़ों को आप अस्पष्टीकरण दें, किसी चीज़ को क्लियरली ना समझाएं. जैसे कि हिज नेबुलस आइडिया अबाउट पॉलिटिकल साइंस, हिज नेबुलस आइडिया ऑफ करेंट अफेयर्स. सो अस्पष्ट एक्सप्लेनेशन किसी भी चीज़ का. और यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड हिज नेबुलस आइडियाज अबाउट सेल्वेशन. उसको मुक्ति के जो आइडियाज हैं उसको वो पता नहीं है एंड इसको आप नेबुलस आइडिया कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, सो रिसेंटली फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर पास्ड अवे. अभी जो है फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर जो है उनकी डेथ हुई है एट द एज 80 साल में और वो कौन है? ऑप्शन ए पोंगम कनन, ऑप्शन बी सेलान मन्ना, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार बैनर्जी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. इफ़ यू नो प्लीज टेल मी कमेंट सेक्शन. क्रिकेटर जितने भी हैं उनके बारे में तो सभी को पता होता है, बट फुटबॉलर्स, इंडिया फुटबॉलर्स की बात करें तो फिर भाई कई सारे लोगों के पसीने छूट जाते हैं जस्ट बिकॉज इतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में. बट थोड़ी नॉलेज इसकी भी रखनी चाहिए आपको. सो अभी जिनकी डेथ हुई है इंडियन फुटबॉलर उनका नाम है पुंगम कनन से मेरा मतलब है ये जो है एशिया के, इनको पेले भी कहा जाता है, पेले ऑफ एशिया. और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ना केवल ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि पूरे एशिया के लिए इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, इनकम्बेंट मीन्स. सो इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए एक्सेप्शन फ्रॉम अ रूल, ऑप्शन बी एंटर समवंस लैंड, ऑप्शन सी हैविंग अ फ्राइटनिंग एंड ऑप्शन डी नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी. सो एक्चुअली इनकम्बेंट जो वर्ड है वो मुझे हिंदू जो पेपर है मैं पढ़ रही थी काफ़ी टाइम से बार बार स्ट्रक कर रहा था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा एक क्वेश्चन इस पर भी होना चाहिए. सो इनकम्बेंट का मतलब होता है नेसेसरी फॉर समवन एज अ ड्यूटी. सो यानी कि किसी भी काम को, किसी व्यक्ति के लिए कोई काम एज अ ड्यूटी हो. सो इसका मतलब होता है इनकम्बेंट. देखना फर्स्ट आर्टिकल सेकेंड आर्टिकल जो निकल रहे हैं हिंदू पेपर के उसमें काफ़ी बार जो है आपको ये वर्ड मिलेगा. सो हियर वी कंप्लीटेड आर ऑल करेंट अफेयर. इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखे. आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. इफ सो देन प्लीज टेल मी द कमेंट सेक्शन. आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी स्टूडेंट्स हु आर आंसरिंग बिलो जस्ट बिकॉज एटलीस्ट दे आर डूइंग कंटिन्यूअस स्टडी एंड दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल द टाइम आई मस्ट से दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब. शो शेयर यू फॉर मोर वीडियोस. वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो.